जिथे राजनीतिक लीडर लोगों की मदद लई सड़कां ते उतरे ने उत्थे ही पंजाब सरकार ते निशाने भी साध रहे ने। केंद्रीय मंत्री बीबी हरसिमरत कौर बादल वालों बठिंडा च लोड़वंद लोगों नू स्वच्छता अते मास्क मुहैया करवाए गए ते गलबात दौरान कहा कि हुण फसलां दी कटाई दा समां आ गया। मंडी दे काम दौरान लोगों अते किसानां नू अपने घरां तों बाहर निकलण वेले अपने आप दा विशेष ध्यान रखना होवेगा। तो इस आबादी में स्प्रे स्प्रू करके उन्होंने क्योंकि हुण बाहर फसल की कटाई का समय भी आ गया, मंडीकरण का समय भी आ गया है, तो लोगों आर अंदर होना पेगा, जिदे करके पूरे हल्के दे सारी मंडिया वास्ते कैमिकल मंगवाए ताकि अपने वालों एक बार इन्हों स्प्रे करवा दिए। नाले सारियां नूं इहदी जागरूक किया कि सारी जगह जाके दसो मास्क पाना कितना जरूरी है, घरों बाहर निकलते सारी अपना मास्क होना चाहिए, एक दूजे के नाल रल मिल के भी नहीं अपना मास्क हो, भावें सिंपल घर च बना लियो कपड़े का, लेकिन मूँह कवर करना जरूरी हैगा, हाथों साफ रखना, सैनिटाइजर या साबुन की टिक्की पानी जरूर नाल रखना हैगा, क्योंकि हुण ताईं तां ये बीमारी फैली सी जब असी घर च बंद सी, तां भी असी देखिया 200 दे नेड़े तेड़े लोगों नूं करोना की मौतां भी हो गई ने, ते कई सौ लोगों नूं इत्थे करोना हो भी गया है, लेकिन हुण जब बाहर अंदर जाना वधूगा, बीमारी ने वधना है, तो असली खतरनाक समय हुण शुरू हो रहा है, जिदे करके हर तरह की प्रिकॉशन लेनी सब तो जरूरी है। ये लोगों को बार 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 समझाने कहन की लोड़ है, नहीं तो किसी की जान का खतरा हो जाए, नुकसान हो जाए, कोई फायदा नहीं, थोड़ा जहा इतबार वरत के आप सिर्फ बाहर जाइए जब जरूरी हैगा, ना तो ना जाइए, तो वह भी दूरी बना के रखिए। अपन आदत ही हूँ तुम सारे भी लागे लागे खड़े हो, पहले तो 1 मीटर की दूरी तुम आप आदत पा लो, ये अगले 2-3 महीने आदत पानी पेगी, अपनी जान खुद अपने हाथ में है, तुम्हें आप बचाना पेगा। सो इन चीज़ों का ध्यान रखने तो ये स्प्रे वास्ते दिता है। ये बाद मंडिया तो जिवें पिंडा तो मंडिया तो जिते ज़्यादा लेबर ने तो काम काज वाले जो कोई मास्क मंगूगा, मैं थोड़े राही सारियां नूं बेनती करती हाँ कि नन्नी था नन्नी छादी टीचर ते स्टूडेंट घर बैठ के बनाने नूं तैयार है, थोड़े घर च जिहड़ा बचिया कुचिया कपड़ा हुंदा है या कोई एक थान तुसी बाजार तो खरीद के तुसी डोनेट कर दो, ये मुफ्त च बना देनगियां, तो वह तुम गरीबों के जाके या लोड़वंदा दे मास्क वध तो वध तुसी वंडो, तो सिंपल तरीके ने घर बैठे आप ही बना लो, रुमाल दे नाल ही बना लो, वो मेरा वीडियो हैगा उन्हों शेयर करो, लेकिन मूँह ढकना नक् ढकना इन चीज़ों जरूर हरेक जना अगले 3-4 महीने वास्ते बिल्कुल आदत ही बना ले, यही इस बीमारी का एक अपने आप को बचा के रखने का एक इलाज हैगा। इस दे नाले बीबी हरसिमरत कौर बादल दा कहना है कि केंद्र सरकार वालों कोरोना वायरस वर्गी बीमारी दी रोकथाम अते हस्पतालां दे वेंटीलेटर अते गरीब लोकां नूं राशन मुहैया करवाउण लई 900 करोड़ रुपए पंजाब सरकार नूं भेजे गए ने, पर इस तों बाद पंजाब सरकार वालों लोकां लई कुछ भी नहीं किया गया। जदों तों इह लॉकडाउन होया है ते सूबे केंद्र दी सरकार नूं सूबे दी सरकार ने तकरीबन 900 करोड़ पहुँचा दिते ने कि तुसी पहली चीज़ इस बीमारी के खिलाफ लड़न वास्ते जिहड़ी हस्पतालां च तैयारी करना है, जिहड़े नर्सां डॉक्टरां दी किटां देनियां ने, जिहड़े वेंटीलेटर ने, जो तुहानूं इस समस्या दे इस बीमारी नाल लड़न वास्ते तुसी वह पैसा खर्चा करो, ते दूजा जिहड़े दिहाड़ीदार जिहड़े गरीब जिहड़े लोड़मंद छोटे दुकानदार जिन्हां दुकानां बंद होण करके अज उहनां दी आमदन नहीं रही, उन्होंने तुसी रोटी पहुँचा का काम करो, तो ये 900 करोड़ वो वास्ते वरतो। लेकिन असी पिछले महीने से देखा कि सरकार वालों ना दे बराबर किसी जे गिने चुने कोई पैकेट पहुँचे ने, तो जिस पिंड 300 की लोड़ है उत्थे 30 पहुँचे ने, सो ना दे बराबर अपने चुनिंदा चहतियां देने वास्ते कुछ सरकार ने काम किया। बाकी जिन्ना काम पंजाब से होया है या गुरुद्वारा राही होया है या समाज सेवी संस्थावां वालों होया या अपने लैवल से जिहड़े लोगों ने अपने वालों लोड़मंदा नूं मदद करन दा काम किया वो किया है, लेकिन केंद्र की सरकार नूं मैनूं खुशी है कि गरीबां दी समस्या नूं देखदे होए अज 500 रुपये हरेक जनधन बीबी जी जिन्हां बीबियां ने खोले से उन्होंने जनधन के खाते में 500 रुपये पहुँचाते ने, इहदे नाल उन्हां नूं थोड़ी सहूलत मिली है, जिन्हां नूं गैस सिलेंडर मुहैया कराए सके उन्होंने 780 रुपये गैस सिलेंडर वास्ते भी उन्होंने खाते से आ गए, तो जिन्हें भी किसान ने सारियां 2000 रुपये की पहली किश्त किसान निधि योजना की उन्होंने खाते में पहुँच गई है, तो ये नाल ही अगले 3 महीनों से लगातार मिलेगा। बुजुर्ग 60 साल तो उम्र जिहड़े वध वाले उम्र वाले ने, विधवा हैगी अंगहीन हैगा, इन्हों अपने खाते से 1000 रुपये केंद्र की सरकार भेजूगी, आधे नूं मिल गए होणगे, जे नहीं मिले तो तुसी आपदे बैंक दे खाते में जाके तुसी मंग करो, तो डीसी साहब नूं लिखाओ कि थोड़े खाते च नहीं पहुँचे, तो सब तो जरूरी
ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, 50% ਤਕਰੀਬਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਕੁਛ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅੱਡ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਅੱਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿੱਚੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਵੈਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਜਦ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 50-100 ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਤਾਂ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ। ਸੋ ਮੰਗਾਂ ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੱਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਵਾਏ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਘਟਾਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਰ ਚੈਨਲ ਫੋਰ ਆਲ ਲੇਟੈਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।